दोस्तों आपने आलू मटर की तो कई सही रेसिपी देखी है, लेकिन बाजार जैसा आलू मटर, वैसा ही स्वाद, वैसा ही टेस्ट जो सबको पसंद आए, बच्चों से लेके बड़ों तक, ये आप इस वीडियो में देखना। और हम छोटी छोटी बारीकियां भी देखेंगे आलू मटर की। मैंने यहाँ पर एक खास मसाले का इस्तेमाल किया है जो कि आलू मटर की रेसिपी को बहुत ही शानदार बना देगा। आपको 4 से 5 आलू चाहिए। मैंने थोड़े से बड़े साइज के आलू लिए हैं। 1 कप मैंने मटर लिए हैं, ये फ्रेश मटर है, मैंने धो कर रखे हैं यहाँ पर। साथ में ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, देसी वाले लोग तो बेटर टेस्ट आता है, और अदरक लहसुन का पेस्ट फ्लेवर के लिए, और स्पाइसीनेस के लिए हरी मिर्चें। आपने बस ये करना है कि आलूओं को बड़े बड़े पीसेस में काटना है, बड़े बड़े पीस में ही रखना, तभी दोस्तों उनका टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। ये देखो कुछ कुछ इस तरह। और काटने के बाद इनको पानी में ज़रूर रख देना। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर प्याज की एकदम फाइन चॉपिंग करने की कोशिश करी है। अगर आप इतना फाइन नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो, या आप कद्दूकस में घिस भी सकते हो, जैसे कि मैं टमाटरों को करूँगा। टमाटरों को घिसने का दोस्तों बहुत बेनिफिट होता है। एक तो उनका पूरा पल्प निकल आता है, और दूसरी बात ये कि जो छिलका है वो अलग से पूरा अलग हो जाता है। ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है दोस्तों, बल्कि मैं तो इसको मिक्सी से भी बेटर बोलूंगा, क्योंकि ये जो टमाटर की स्किन होती है ये गलती ही नहीं है ग्रेवी में, तो बढ़िया ही है कि वो पहले ही निकल आए। खैर अब मैं मसाले आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, साथ में जीरा तो चाहिए ही होगा, हल्दी पाउडर, नमक, और ये जो मसाला है ये आपकी इस रेसिपी को बहुत एलिवेट करेगा। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है मैगी का मसाला ए मैजिक। ये खास 10 चुनिंदा मसालों से बना हुआ है, जो कि हमारी सिंपल सी डिश का टेस्ट बहुत एनहांस कर देगा। ग्रेवी बनाने से पहले एक छोटा सा इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है, और पानी में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीनों मसालों को पानी में डालकर छोड़ दिया है, ताकि ये थोड़े से फूल जाए। अभी आगे बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या होता है। कढ़ाई में मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा तेल कच्चा है तो पहले इसको थोड़ा सा जला लिया है, थोड़ा सा ही जलाना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पर गरम गरम तेल में जीरा डाला है। जीरा दोस्तों जैसे ही सिजल करने लगेगा ना, तभी आप प्याज डालना, और इनको हल्का सा कलर आने तक आपने रोस्ट करना है। आलू मटर तो सब बनाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन रेसिपी से फ्लेवर लाना सबसे बड़ी बात होती है। कि फ्लेवर कैसे लाएं, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप हमेशा एकदम मीडियम टू लो पर कुकिंग करना, हाई फ्लेम में मत करना, जल्दबाजी में मत करना। आप आराम आराम से कुक करोगे तो आपको कंट्रोल ज्यादा मिलेगा बेसिकली, और जब चीजें ज्यादा भुनती है ना तो ज्यादा फ्लेवर निकल कर आता है, सिंपल सी बात है। खैर जैसे ही प्याज में हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए ना, ये देखो इस स्टेज पर, फिर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना, और इसको भी थोड़ा रोस्ट करना है आपने, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और अब आप यहाँ पर मसाले डाल सकते हो। आपने देखा था ना मैंने जानबूझ के पानी में मिला के डाले हैं मसाले, उसका लॉजिक ये है कि पानी 2 काम करेगा, एक तो मसालों को जलने से बचा देगा, और दूसरा जो प्याज है ना उनको गलने में भी मदद करेगा, ताकि जो ग्रेवी है थोड़ी सी स्मूथ सी बने, इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पर अच्छे से पका लेना जब तक कि तेल अलग नहीं होता, और फिर ही आप यहाँ पर टमाटर डालना, और जैसे ही टमाटर आए हैं वैसे ही आपने नमक तो डालना ही डालना है। अब आपने तब तक पकाना है जब तक टमाटरों से तेल अलग नहीं हो जाता, हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते, मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे, और ऐसा करते करते ही आपका एक मसाले का बेस बन जाएगा। अभी मैंने आपको याद है बोला था कि स्लो कुकिंग करना और आराम आराम से करना, तो अभी टमाटर एक्चुअल में 100% पके नहीं है, काफी हद तक पक चुके हैं, लेकिन जब इस स्टेज पर आ जाए कि तेल हल्का हल्का ऊपर आने लग जाए, हल्का हल्का, और जो आपकी ग्रेवी है वो थोड़ी सी दानेदार हो जाए, बस इस स्टेज पर आप यहाँ पर हरी मिर्चें डाल देना, और साथ साथ आलू डाल देना। इसी स्टेज पर डालना दोस्तों, आपने बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर ढक कर आलूओं को पकाना है टमाटर के साथ, जिससे कि टमाटर भी और पकेंगे और आलू की जो सरफेस है ना वो भी थोड़ी पकेगी। आलूओं को थोड़ा रोस्ट करना बहुत जरूरी होता है, अभी आपको दिखाता हूँ क्यों। जब 2 से 3 मिनट बाद आप ढक्कन खोलोगे ना, तो ये देखो आलू की बाहर की सरफेस हल्की सी पक गई है, और जो वाइटनेस है वो अंदर अंदर रह गई है, ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। बस अब आप यहाँ पर मटर डाल देना, और मटर क्योंकि कच्चे हैं तो उनको अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर मैंने रोस्ट किया है आलूओं के साथ मटर को, आप देखो तेल कितने अच्छे से बाहर आ चुका है, टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, तो बस अब आपने क्या करना है, अब आपने पानी डालना है, और इन सारी चीजों को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है एग्जैक्ट 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर।
ध्यान रहे इस बात का, आराम से आप इसको पकने देना और अब आप रिलैक्स कर सकते हो। हाँ, लेकिन बीच में 5 मिनट वाले मार्क पे एकदम घड़ी से देखकर मैंने एक बार स्टर जरूर कर दिया था, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी कढ़ाई में या तले पे नीचे चिपक जाए मसाला। बस ढककर आप फिर से इसको 5 मिनट और पकने देना। और ये देखो दोस्तों, आलू मटर अच्छे से पक चुके हैं। अगर मैं आपको मटर दिखाऊं तो आप ये देखो सॉफ्ट है एकदम, और आलू तो 100% सॉफ्ट है। इस ग्रेवी को और बेटर बनाने के लिए आप आलू मैश जरूर कर देना, ताकि ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हो, हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा टेक्सचर आए तो वो बहुत बढ़िया लगता है। सबसे आखिर में आपने यहाँ पर डालना है मैगी का मसाला, ये मैजिक, जो कि इस रेसिपी को बहुत एलिवेट करेगा। ये खास 10 चुनिंदा मसालों से बना हुआ है, जिसका स्वाद आलू मटर के फ्लेवर को बहुत ज्यादा इन्हांस करेगा। ये मसाला आपके रोज के खाने को भी बहुत स्वादिष्ट बना देता है, ताकि आपके घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आए। और अब ग्रेवी को आपने सिर्फ सेट करना है। हमने आलू को थोड़ा मैश किया था ना, तो थोड़ा पानी डाल देना, ताकि ग्रेवी आपके हिसाब से सेट हो जाए। ढक्कन लगाने से पहले एंड में धनिया जरूर डाल देना, ताकि जैसे ही ढक्कन खोलेंगे ना, बहुत बढ़िया फ्रेशनेस की खुशबू आएगी। और ये देखो, आलू मटर बनके पूरे तैयार है ना, बिल्कुल ईजी सिंपल। आलू मटर बनाने में कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे बनाओगे तो उनका फ्लेवर आपको बहुत पसंद आएगा।